तो ये एक कैपेसिटर जिसको कई लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, आपने इसको मोटर में या पंखों में लगा हुआ देखा होगा, और ये चार्ज स्टोर करता है, पर चार्ज तो बैटरी भी स्टोर करती है। तो बैटरी और एक कैपेसिटर में फर्क क्या होता है, छोटे से एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। तो ये मेरे पास जो कैपेसिटर है, मैं इसको इस तार मतलब सॉकेट के अंदर डाल रहा हूं, और ये मैंने इसे उसको ऑन किया और ऑफ कर दिया। अब मैं अगर इन दोनों तार, ये चार्ज हो गया, यानी ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चार्ज हो जाता है, और अगर मैं इन दोनों तारों को टच करता हूं आपस में, तो ये डिस्चार्ज हो गया। यानी अब ये देखो, अभी दोबारा ऐसा नहीं करेगा, ऑल द बैटरी बार बार ऐसा करती है। यानी ये कैपेसिटर और एक बैटरी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज या डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन एक बैटरी जो है वो चार्ज और डिस्चार्ज होने में समय लेती है।